किसी भी चीज की इम्पोर्टेंस तब पता चलती है जब वो हमारे पास नहीं रहती। पेशेंट्स कई बार एक के बाद एक दूसरा दांत निकलवाते जाते हैं। उनको लगता है बहुत सारे दांत हैं, एक दांत निकल गया तो क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके कई बार वो नेचुरल टूथ की इम्पोर्टेंस नहीं समझते, पर उनको उस दिन समझ आता है जब आपके सारे दांत निकल जाते हैं और आर्टिफिशियल दांत कभी भी आपके दांतों जैसे नहीं हो सकते। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर हिना और आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपने दांतों की सफाई का किस तरीके से ध्यान रखें ताकि वो आपके साथ हमेशा रहे। ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छे से ध्यान रखोगे तो दांत हमेशा रहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि एक उम्र के बाद दांत निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो 90 इयर्स में भी अपने दांतों की हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो आइए, आपको 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपने मॉर्निंग के साथ साथ रात को जरूर ब्रश कर सोना है ताकि आपका बैक्टीरियल लोड कम हो और आपको कैविटीज कम से कम हो। नंबर 2, आपने कुछ भी खाना है, चाहे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं या फिर बीच में स्नैकिंग कर रहे हैं, तो कोशिश करें उसके बाद आपने कुल्ला ज़रूर करना है ताकि वहाँ पर कुछ भी जमा ना रहे। आपको बुरी आदतें जैसे स्मोकिंग, तंबाकू खाना या इस तरह की कोई भी आदत या फिर ज़्यादा चाय पीना आपको छोड़ देनी चाहिए ताकि आपकी ओरल हेल्थ अच्छी रहे। नंबर 4, अगर आपके दांतों में स्पेसिस है या फिर आपको कहीं पे खाना फंसता है तो आपको उन जगहों पर वाटर फ्लोस या फिर इंटरडेंटल ब्रशेस का यूज़ करना चाहिए। नंबर 5, आपको रेगुलर डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए ताकि अगर कोई भी छोटी कैविटी है या छोटी सी प्रॉब्लम है वो उसी टाइम पे सॉर्ट आउट हो जाए। कई बार हम ब्रश करते हैं पर फिर भी कैविटीज़ होती है क्योंकि ब्रश हर जगह पर नहीं जा पाता। ऐसा नहीं है, आप अपने आप से माउथ वॉश कई बार यूज़ करना शुरू कर देते हैं पर वो क्लीनिंग में हेल्प तो करता है पर अदरवाइज उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो डेंटल रेगुलर विजिट्स ज़रूरी है। आप सब अपने डेंटिस्ट को रेगुलर टाइम पर विजिट करें। थैंक यू।